मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। चमन में दीदावर पैदा अर्थात वे अनमोल हीरे थे, इसलिए यूपी में बनी बीएसपी की सरकारों में इन महापुरुषों के साथ साथ दलित व अन्य पिछड़े वर्ग में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी भरपूर आदर सम्मान दिया गया, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन व समतामूलक समाज बनाने के लिए इनके संघर्षों व बलिदानों को भुलाना असंभव है। ऐसे महान व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी को मेरे साथ साथ उनके असंख्य अनुयायियों ने भी वर्तमान में पूरे देश में लगी चुनाव आचार संहिता को खास ध्यान में रखकर अपने अपने तरीके से इनकी जयंती पर आज इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उन सभी का हमारी पार्टी आभार प्रकट करती है। इसके साथ ही आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि इस बार इनकी जयंती हमारी पार्टी के लोग ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश में इस समय लोकसभा के आम चुनाव घोषित हो चुके हैं, और यदि इस चुनाव में हमारी पार्टी के लोग पूरे देश में सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधानी बरतते हुए अपनी पूरी सूझबूझ व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ते हैं और साथ ही अपना बेहतर रिजल्ट भी दिखाते हैं, तो फिर मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति इनकी यही सच्ची श्रद्धा भी होगी। ऐसी मेरी पार्टी के लोगों से पूरी पूरी उम्मीद भी है। धन्यवाद।